हाय, दिस इज जन्मेजय, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग आए हैं HPTU का कैंपस टूर करने, और ये एक दूसरा कैंपस है। मेन कैंपस थोड़ा सा दूर है, वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं। और वहाँ पे थोड़ा सा एकेडमिक्स इतना सारा कुछ है वहीं पर है। यहाँ पर हॉस्टल्स, जिम, स्पोर्ट्स, ऑडिटोरियम, ये सारा कुछ यहाँ पर है। तो आइए आपको दिखाते हैं अपना HPTU का कैंपस। तो ये है यहाँ का मेन गेट। तो जैसे ही हम लोग मेन गेट से एंटर करते हैं, हमको कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। ये लेफ्ट साइड ऑडिटोरियम है, इसको भी दिखाते हैं आपको अच्छे से। और राइट साइड हमारा ये क्रिकेट फील्ड है। आज दो हाउसेस का मैच भी है। ये APJ अब्दुल कलाम हॉस्टल है जो आपको सामने दिख रहा है, वाइट एंड रेड की बिल्डिंग। ये फोर्थ ईयर वालों को ही अलॉट होता है। और ये सामने हमारा HBTI का ऑडिटोरियम, और इसका इनॉग्रेशन के लिए हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे। ये देखिए कितना बड़ा है भैया, ये काफी बड़ा है साइज में। इस कैंपस में मेनली बॉयज हॉस्टल, जिम और ग्राउंड, और बस ये ऑडिटोरियम है। और बची कुची सारी चीज़ें जो है ना, वो दूसरे वाले कैंपस में है। दिस इज़ हाउ कैंपस लुक्स एट नाइट। इसके बाद जब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, तो हम लोगों को राइट साइड में ये जिमनेजियम दिखता है HBTU का। ये जिम के जस्ट सामने और ये ऑडिटोरियम के जस्ट बगल में पूरा स्पोर्ट्स ग्राउंड है। काफ़ी बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, अभी मेंटेन नहीं है प्रॉपर। और ये बीच में ये आप हेलीपैड देख पा रहे होंगे, ये बना है एक, वो हेलीपैड बना है। टोटल चार हेलीपैड्स बने हैं जस्ट जिम के पीछे। ये है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट। आगे चल के हमको मिलता है कि ये सुंदर सा गार्डन, अंदर से दिखाते हैं कैसा है। काफ़ी सुंदर गार्डन है, आपको अगर टाइम स्पेंड करना है किसी के साथ या खुद के साथ भी, तो आप यहाँ पर आके बैठ सकते हैं। काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है यहाँ पर। ये सामने हमारा जिम है, और इससे जो ये रोड जाती है, से यहाँ से होते हुए हम सीधे हॉस्टल पर पहुँच जाते हैं। ये एक और हेलीपैड है। ये वैश्वर्या छात्रावास है, ये फर्स्ट ईयर वाले BTech के बच्चों को अलॉट होता है। और इसी रोड पर आगे चलकर दो और हॉस्टल्स हैं जो कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को अलॉट होते हैं। और फोर्थ ईयर वालों के लिए वो क्रिकेट फील्ड के सामने वाला वो हॉस्टल अलॉट होता है। आइए चलिए अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं वैश्वर्या छात्रावास के रूम्स। तो जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं, ये राइट साइड में हम लोग को ओपन एरिया देखने को मिलता है। वहाँ सामने आगे वॉलीबॉल नेट भी लगा है, वहाँ बच्चे शायद वॉलीबॉल खेलते हैं। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है वैश्वर्या छात्रावास। और यहाँ पर जस्ट सामने ग्राउंड फ्लोर पर हमारी मैस है। दिस इज डे टू ब्रेकफास्ट। तो अब हम आ गए हैं हॉस्टल के रूम पर। अंदर से थोड़ा गंदा सा लग रहा होगा क्योंकि इंजीनियर्स का रूम है, कोई नहीं, चल जाता है इतना।
और इस रूम में तीन बेड डल सकते हैं, तीन बच्चे रहते हैं, एक यहाँ पर, दूसरा इस तरफ और तीसरा पीछे वहाँ पर। और सामान के तौर पर टेबल, चेयर, एक कबर्ड होती है सामान रखने के लिए इतनी बड़ी, और एक बेड मिलता है। तीनों बेड्स के लिए तीन फैन लगे रहते हैं, एक, दो, तीन, तीसरा यहाँ। और यहाँ पर कूलर इन लोगों ने खुद लगवाया है, कूलर हॉस्टल की तरफ से नहीं मिलता है।